धार जिले के पीथमपुर पुलिस ने आज 29 जून सोमवार को अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। विगत 26 जून को पुलिस को पीथमपुर थाना सेक्टर एक अंतर्गत धंधर कॉलोनी में एक शव पड़ा हुआ मिला था। मृत व्यक्ति का नाम करण बताया जा रहा था। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा था, अगले दिन पोस्टमार्टम में हत्या का मामला साफ हो गया। इसके बाद तत्परता से पुलिस जाँच में जुटी और कुछ ही घंटों में पुलिस ने तथ्यों और वैधानिक सबूतों के आधार पर आरोपी नंदराम उर्फ नंदू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में खुलासा किया कि आरोपी नंदराम और मृतक करण दोनों दोस्त थे और साथ ही एक निजी कंपनी में काम करते थे। लेकिन 25 जून की शाम को नंदराम और करण एक साथ करण के रूम में शराब पी रहे थे, जिसके बाद करण नशे में सो गया और करीब 11 बजे नंदराम ने साड़ी के कपड़े से उसका कसकर गला दबा दिया और साथ ही दराते से उसका गला काट दिया। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग सामने आई। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक हरीश मोटवानी ने प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी कितना भी शातिर हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में लगातार दूसरे दिन इस तरह के जघन्य अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। के अंतर्गत धनगढ़ कॉलोनी अग्रवाल नगर में 26 तारीख को एक व्यक्ति की लाश पाई गई उसके घर में ही, और उस पर धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। साथ ही उसको एक गमछे से उसका गला घोंटा भी गया था, स्ट्रेंगुलेशन था। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि वो हो सकता सुसाइडल केस हो, लेकिन जब तहकीकात की एफएसएल टीम और हम लोगों ने बारीकी से जांच की, पोस्टमार्टम कराया, तो वो स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति ने उसको हत्या की है। प्रथम दृष्टया इसलिए वो संदिग्ध था कि पूरा घर व्यवस्थित था, कहीं संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसी दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि हो सकता उसने खुद ही वो हाशिया जो पास में ही पड़ा था उससे अपने आप को चोट पहुंचाई हो, परंतु जब स्ट्रेंगुलेशन के चिन्ह मिले तो स्पष्ट हो गया कि ये हत्या का अपराध है। हत्या का अपराध कायम करने के बाद तेज़ी से हम लोगों ने इसको घटना को संवेदनशीलता से लेते हुए तेज़ी से विवेचना की। चंद्रभान सिंह चढ़ार जो वहाँ के निरीक्षक थाना प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया, जिन्होंने आसपास के चारों पांचों रास्तों के सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज सब तलाशे, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई था नहीं। उसके घर वाले सब शादी में बाहर गए हुए थे, अगले दिन वो लौटे थे, उसके बाद ही हत्या का पता लगा था। तो ऐसी दृष्टि में जब कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य सामने नहीं आया था तो निश्चित रूप से हमको कैमरों ने सहायता की और 3 से अधिक कैमरों में उसका फुटेज हमको मिला आरोपी का। आरोपी नंदराम करके व्यक्ति था और जो मृतक है वो करण बलाई है। ये दोनों नर्मदा पैकेजिंग में काम करते हैं, वहीं पर इनकी दोस्ती थी। तो आज उस घटना दिनांक को वो दोनों ही दोस्ती यारी में शराब और नॉनवेज खाने के इरादे से उसके घर पे आए थे, और उसी दौरान जब उसको अधिक शराब हो गई थी और उसमें सो गया था वो, तब नंदराम ने अकेला देखकर उसके ऊपर ये प्राणघातक हमला कर उसको हत्या कर दी थी। हत्या की मुख्य वजह सामने आई कि नंदराम जो था वो हमेशा इसको धमकी देता नंदराम को धमकी देता था मृतक, कि तेरे अवैध संबंधों का मैं खुलासा कर दूंगा, और इस बात से वो बड़ा भयभीत था और उसी से बचने के लिए उसने इसकी हत्या की। सर, हत्या के में आरोपी एक ही थे या अन्य? एक ही आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी सारे साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य हमने जुटाए हैं, और निश्चित रूप से इस हत्या के अपराधी को हम लोग न्यायालय से सजा दिलाने में कामयाब हो। सर, आरोपी ने भी क्या शराब पी कर रखी थी? हाँ, थोड़ी शराब उसने भी पी थी, पर अधिक शराब उसने मृतक को पिलाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।